ध्यान से सुनिएगा, अरे नारायण गरुड़ पर चढ़कर के वैकुंठ में जा रहे हैं, हिमालय के ऊंचे पहाड़ पर एक छोटा सा कबूतर बैठा है। भगवान नारायण ने गरुड़ से कहा, गरुड़ ये जो कबूतर है ना, बोले हाँ, बोले थोड़ी देर बाद में एक अंधी बिल्ली इस कबूतर को मार करके खा जाएगा। अंधी बिल्ली मार करके खा जाएगी। अरे महाराज, दूर दूर तक कहीं बिल्ली नहीं दिखाई दे रही और इन इतने ऊंचे पहाड़ों में अंधी बिल्ली खा जाएगी। बोले मैं पहाड़ों की बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि बिल्ली आकर के इस कबूतर को खा जाएगी, बिल्ली के द्वारा इसकी मृत्यु है। गरुड़ जी ने कहा, प्रभु इन बर्फ के पहाड़ों में इतने ऊंची बिल्ली कैसे आएगी, और अगर मैं इस कबूतर को बचा लूं तो? भगवान ने कहा, भैया बचाने वाला तो बड़ा होता है, बचा लो। गरुड़ जी को अपनी बेग पर बड़ा अभिमान, कबूतर को उठाया और उठा करके हिमालय से दूर एक पहाड़ में गुफा में ले जाकर के सात समुंदर पार एक गुफा में छोड़ दिया, आगे से चट्टान से ढक भी दिया। गरुड़ जी आए, प्रभु अब उस कबूतर के पास बिल्ली कभी नहीं पहुंच सकती, सात समुंदर में छोड़ करके आया हूं, वो बिल्ली सात जन्म ले लेना तो भी वहां नहीं पहुंचेगी। भगवान मुस्कुराए। गरुड़ जी ने कहा, हुआ क्या? बोले जाकर के उस गुफा में चेक तो करो कबूतर है कि नहीं है। गरुड़ जी दौड़े दौड़े फिर गुफा में आए, आकर के देखा तो भैया गुफा में कबूतर वबूतर कुछ नहीं, वो बिल्ली ही बैठी है। गरुड़ ये बेचारा यहां रहता ना हिमालय पर तो शायद बिल्ली नहीं आती, पर उस गुफा में ही बिल्ली थी जिसे गुफा में तू छोड़ करके आया और मृत्यु का कारण निमित्त तू बना।